आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की दिशा में लौट चलें, अपने घर में, अपने बंगले में, अपने दशम द्वार में लौट चलें। इस संगीतमय वातावरण में हम अपनी ओर जगमगाते चलें, बाहर से भीतर की ओर ध्यान धरा पर निरंतर बने रहना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली वॉच इट। कीप लुकिंग ऑन इनसाइड। हियर इज मेडिटेशन। यू हैव टू वॉच ओनली, नॉट टू इंडल्ज इन एनी थॉट। वॉच इट, कीप लुकिंग ऑन इनसाइड। व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड, यू सिंपली वॉच इट। यू आर ए सीयर इन योर ट्रू नेचर। डिस्कवर इट। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर। You be master of your mind and thoughts. लगातार वाच करती रहना मन माया की गति को, मन के विस्तार को देखते रहना। केवल देखते 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 एक दिन तुम दैदिप्यमान हो जाते हो। कहीं दखल अंदाजी नहीं करना, कहीं दखल नहीं देना, कहीं कोशिश नहीं करना, कहीं प्रयास नहीं करना, कहीं यत्न नहीं करना। आपने तो केवल वाच करना है, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना है। भीतर की गति में जो जो हो रहा है अपने आप, उससे हट करके उसको देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। रिमेंबर इट। केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना हम सबकी नियति है। इट्स अवर ट्रू नेचर। हम देखते चले, केवल देखना। माइंड के प्रति जो जो भी हो रहा है माइंड के द्वारा, उसको देखते चले जाना। केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना, कछु करना नहीं, प्रयास नहीं करना, यत्न नहीं करना, क्योंकि मेडिटेशन इज ए नॉन डूइंग स्टेट। माइंड इज ए डूअर, यू आर ए सीयर। माइंड इज ए डूअर, इसकी डूइंग्स को देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। देखना हम सबका स्वभाव है, धर्म है। केवल देखना। बाहर के जगत में हम बाहर की आंखों के माध्यम से देखते हैं, अपने भीतर हम डायरेक्टली देखते हैं। डायरेक्ट वॉच विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वेरी सून। अपने थर्ड आई में लौट आना, अपने शिव नेत्र में लौट आना। आप देखने वाले हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, कर्ता हो। आप एकमात्र देखने वाले हो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी की तमाम कार्यशाली को तुम अच्छी तरह भांप लेना, देखते रहना। इसमें गलतान नहीं होना, इसमें इंडल्ज नहीं होना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर नॉट ए थॉट, यू आर नॉट ए बॉडी। इनसे हट करके थोड़ा सा, इनसे ऊपर उठ करके, अबाव होकर के थोड़ा वाच करना। हैरान रह जाओगी आप, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाओगी जिस दिन तुम अपने स्वभाव में लौटोगे। केवल वाच करते रहना, देखते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना।
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, कैसा भी है, आप केवल निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर, यू बी न्यूट्रल वन एंड कीप लुकिंग ऑन इनसाइड। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है, भीतर की तल पे, भीतर की दिशा में जो जो हो रहा है उसको केवल देखते रहना जागे जागे। तनिक मात्र भी कहीं इंडल्ज नहीं होना, लॉस्ट नहीं होना, तुम अपने स्वभाव में रहना, स्वाभाविक स्थिति एकमात्र डेवलप करना। भीतर की दिशा में बढ़ते चले जाना, चाहे कितने भी विचार विकार विकल्प वृत्तियां तुम्हें पकड़े, तुम थोड़े सजग रहना, बार बार जागना, बार बार लौटना अपने स्वभाव में, पुनः पुनः वापस लौटना। ये रिमेम्बरेंस एक दिन तुम्हें रिजॉइसिंग स्टेट में उतार देगी। बहुत प्रैक्टिकल होकर के आना, बहुत प्यास उठाना, दर्द उठाना अपने जीवन का, वरना ये जन्म मृत्यु की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। जाने अनजाने हम मृत्यु के दौर में उतर रहे हैं, जिस दिशा के लिए, जिस पर्पस के लिए जन्म हुआ है उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है। उसको डिस्कवर करना हम सबका धर्म है, एकमात्र धर्म है इंसान का, अपनी धारणा में जगमगाना। घबराना नहीं, डरना नहीं माइंड से, माइंड कितना भी स्कैटर्ड हो जाए, कितना भी बिखराव में भटकाव में चला जाए, आप इसके स्वभाव को, इसकी आदतों को अच्छी तरह से देखते रहना। आप तो देखने वाले हैं, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको भय नहीं होना चाहिए, आप कोई भयभीत अवस्था नहीं होनी चाहिए, आप तो दृष्टा है, मास्टर है, मालिक है अपने एकमात्र मन बुद्धि इंद्रियां बॉडी के। इनसे हट करके इनको वाच करना, माइंड से हट करके माइंड को वाच करना, वाचफुल स्टेट में उतरना। किस्मत ही हमारी है, साए में तुम्हारी है, किस्मत ही हमारी है, कुर्बान दिलो जाहे कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारी है,
किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जाहे क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जाहे क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारी है, प्यासों की प्यास है, किस्मत ये हमारी है। अपने 11 गुरु भाइयों के साथ रात के एक एक बजे तक संगीत छेड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहलाने वाले नरेन क्या गजब ढाता है। अपने 11 गुरु भाइयों के साथ रात के एक एक बजे तक संगीत निरंतर चलता है गंगा किनारे, अपने गुरुवर को रिझाने के लिए। बाबा रामकृष्ण की छतर छाया में, उसकी दिशा में, उसकी एक बात दर दीवानगी में बार बार लौटते हैं सब, और उसी में डूबे डूबे यही संगीत छेड़ते हैं। बाबा साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जाहे क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जाहे क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। भले लाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, चाहे लाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, भले लाख लाखों लाख भले बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, थोड़ी नजरे करम करना ये आस हमारी है, जरा नजरे करम करना ये आस हमारी है, थोड़ी
नजरी करम करना ओ मेरे बाबा, थोड़ी नजरी करम करना, ये आस हमारी है, ये अर्ज हमारी है, ये तो अर्ज हमारी है, जरा नजरी करम करना, यही अर्ज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। और दुनिया वाले क्या मांगते फिरते हो, संसार को क्या मांगते फिरते हो, सुविधाओं को क्या मांगते फिरते हो, दुनियावी सक्सेसफुलनेस को, सफलता का, अरे एक बार उसके हो जाइए ना, बहारों की कमी नहीं रहेगी, सफलताओं की कमी नहीं रहेगी, जिसके लिए तुम बने हो तुम उसके हो जाइए ना, उसकी और थोड़ी दिशा संभालिए, उसकी और थोड़े जगमगा लीजिए, उसके होकर के जी लीजिए, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मंगता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मालिक हो जाओगे, मालिकों के साथ लग करके मालिक होके जियोगे, भिखारियों के साथ लग के भिखारी ही रहोगे। मेडिटेशन इज नॉट ए कॉमर्शियल थिंग, मेडिटेशन कैन नेवर बी कॉमर्शियल वन, मेडिटेशन एक करुणा है, दया है, कृपा है प्रभु की, जो भीतर की ओर सदैव प्रवाहित रहती है, जिसने उस दिशा की ओर तनिक मात्र थोड़ा सा भी देख करके जाना वह धन्य धन्य हुआ। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर, मास्टर ऑफ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर सेंसेस, योर बॉडी, ये मालकियत एकमात्र ब्लिसफुलनेस स्टेट है, एकमात्र आनंद मस्ती बहारों से लदी हुई कीमिया है, जिसने भी थोड़ा सा अपने आप को अपनी ओर थोड़ा सा आंख लगा करके देख लिया, वो इंसान कभी भी दुखी जीवन नहीं जी सकता, वो इंसान सदा सुखद अवस्था में रहता, सदा बैलेंस में रहता, चाहे कितने भी विपरीत हालात आए वो विराट बन के रहता, उसकी विराट स्थिति उसके हाथ लगती है, अगर वो थोड़ा सा बैलेंस बाहर भीतर दोनों का रखे। कुर्बान दिलो जाहे, कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है,
कुर्बान दिलो जाहे क्या शान तुम्हारी है। तुम स्वयं दाता बन जाओगे, स्वयं देने लायक हो जाओगे। तुम लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। एक बार मालिक के होकर के देखिएगा, एक बार अपने भीतर के होके देखिएगा। ओ बाहर बाहर रहने वालों, बाहर बाहर जीने वालों, बाहर के ही बनकर के मरने वालों, थोड़ा सा अपने भीतर भी होकर के देख लीजिएगा, थोड़ा दिल में रहिएगा, धन्य धन्य हो जाओगी, कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन दिशा संभालिए। क्या संभाले फिरते हो तुम? दुनिया के पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा संभालिए संभालिए, किंतु उससे पहले अपनी जीवन दिशा संभालिए। भीतर के अंधे, भीतर के भटके हुए माँ बाप बच्चों को क्या क्या बाहर की दिशा देते हैं। थोड़ा सा भीतर भी दे, थोड़ा सा भीतर की दिशा भी उनके प्रति थोड़ी पेश करें, तो वह सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे, अपने आप के मालिक हो जाएंगे, कभी भटक नहीं सकते जीवन में। घर बच्चों को माँ बाप थोड़ा सा भीतर का टच भी दे, उसके पास होना चाहिए। असलियत वास्तविकता भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो केवल नकल ही नकल है, वास्तविकता रियालिटी भीतर की दिशा में है। भीतर की आंख हम सबके पास बराबर, जन्म से ही बराबर, जन्म से ही मालिक ने दी है, अपना आप जगमगाने के लिए दी है। ददीप्यमान होकर के हम धरती पर आए, जगमगाते हुए हम भीतर आए, भीतर की दिशा में घर उतरते चले जाएं, तो ये जन्म सफल हो जाएगा, जीवन जोत जगाएगा। धन्य धन्य है जीवन की आभा, जिसके हाथ लगी वही मालिक हो गया, इस धरती का मालिक हो गया। बाहर की एजुकेशन में मेडिटेशन का टच आज की दुनिया में, आज के समाज में बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहिर्मुखी बनाती चली जा रही है, अगर उसके भीतर थोड़ा सा टच मेडिटेशन का हो तो एजुकेशन बहुत दीप्यमान हो जाएगी जीवन में, बहुत जगमगा उठेगी दुनिया में। देने लायक होता है मेडिटेशन का आलम, मेडिटेशन विद एजुकेशन, एजुकेशन विद मेडिटेशन शुड बी योर मोटो। विदाउट मेडिटेशन एजुकेशन इज नल, जीरो। आज देख ही रहे हो घर घर की कहानी है, खूब एजुकेट करना, सबको एजुकेट करना, सबको एजुकेशन प्रदान करना, साथ साथ में टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार बना देना, स्वयं भी बने हो बच्चों को भी बना देना, ये तुम्हारी देन, तुम्हें कभी भी आबाद नहीं कर पाएगी, तुम्हें कभी भी जीवन दान नहीं दे पाएगी, तुम्हें कभी भी आनंदित नहीं कर पाएगी। केवल मात्र एजुकेशन नहीं, उसके साथ साथ मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, मेडिटेशन तुम्हें केवल मात्र फकीरों की दुनिया में मिलेगी। ये तो केवल मेडिटेशन मास्टर्स की कृपा करुणा दया एकमात्र अनुकंपा है कि वह निरंतर बांटता चला जाता है, बांटता ही बांटता चला जाता है, बेचता कभी नहीं, बेची जा नहीं सकती, इतनी बड़ी संपदा बेची नहीं जा सकती। ये परम सत्ता कभी बिकती नहीं, बेची नहीं जाती, ये केवल मुफ्त बांटी जाती है, निःशुल्क बांटी जाती है, प्रसादी है जो दिल को शाद करती चली जाती है। बांटते बांटते इंसान दुनिया का मालिक हो जाता है। बेचने वाले अंधे भीतर के किताबी लोग आज दर दर पे खड़े हैं, जगह जगह खा रहे हैं, लूट रहे हैं समाज को, हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हिप्नोटिज्म एकमात्र उनका धर्म हो गया है। ये स्वाभाविक स्थिति हर एक इंसान के पास अपनी अपनी
जगमगाती है, भीतर सदा के लिए जगमगाती है। थोड़ी सी नजर जुड़ते ही, थोड़ी आंख लगते ही, थोड़ा उसकी और दिशा संभालते ही, थोड़ा उसकी और महत्व देते ही जगमगा उठती है और तुम्हें सच्चित आनंद की महान धरा पर उतार देती है। धन्य धन्य है जीवन जो सदा सदा के लिए जगमगा रहा है। अपने अंतस का मालिक होकर के जीने वाला इंसान इस धरती को सदा स्वर्गमय बना देता है। इतना बांटता चला जाता है, बांटता चला जाता है, बांटता ही चला जाता है, कभी बेचता नहीं। बेचने वाले कमर्शियल लोग आज की दुनिया में ना खुद ना किसी को कुछ भी दे नहीं पा रहे। चारों तरफ उनका अंधलापन बहुत शीघ्र उजागर हो जाता है। जीवन दिशा में आप निरंतर बढ़ते रहना, अपने भीतर की दिशा में बढ़ते रहना, एक दिन जरूर वास्तविकता को अनुभव करोगे, विराट होते जाओगे। साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी। वारे वाह स्वामी विवेकानंद, क्या गजब पुकार पुकार करके कहता है बाबा। कुर्बान हम सब कुर्बान, कुर्बान दिलो जाहे, कुर्बान दिलो जाहे। क्या शान तुम्हारी है कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी है, क्या खूबसूरत नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है।